जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। जालौर में कृपाराम महाराज ने किया भागवत कथा का शुभारंभ। नाले से निकला मलबा हादसे को देता न्योता। यातायात पुलिस ने काटे ओवरलोड वाहनों के चालान। एक तरफ बूंद बूंद को मोहताज, दूसरी तरफ व्यर्थ बहता पानी। कवराड़ा में लगी आग ने जलाए पीड़ित के सपने। उमेदाबाद में गोचर भूमि पर कब्जा, नहीं लिया जा रहा एक्शन। निजी महाविद्यालय में डोनेशन के नाम खुलेआम धांधली। आहोर क्षेत्र के रोडला ग्राम में नहीं एक भी बैंक। रायथल विद्यालय में कक्षा कक्षों का हुआ भूमि पूजन। राम सिंह ने हुआ देवासी समाज धर्मशाला का उद्घाटन। भागली में राजयोगी का हुआ अभिनंदन। आपेश्वर महादेव मंदिर की वर्षगांठ पर हुआ ध्वजारोहण। शियाणा में खेतला जी महाराज का वार्षिक मेला भरा। रतिया वीर भैरू जी के नाम भक्ति संध्या आयोजित। रावल समाज के 22 जोड़े बंधे पड़े सूत्र में। अब समाचार विस्तार से। जालौर में कृपाराम महाराज ने किया भागवत कथा का शुभारंभ। उजीर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिला मुख्यालय पर शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन संत कृपाराम महाराज के पावन सानिध्य में जालौर भैरूनाथ अखाड़े से विशाल पोथी भक्ति रैली व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में कन्याएं शामिल थी। बरघोड़े के साथ भागवत के जयकारों के साथ रैला बस स्टैंड कथा मैदान पहुँचा, जहाँ पर आज भागवत नमन व पूजा के बाद कृपाराम महाराज के त्रिमुख से भक्तों को धर्म के प्रति ज्ञान की बातें बतलाते हुए भागवत कथा का शुभारंभ किया। समाज सेवी अम्बालाल माली ने बताया कि भागवत कथा का समय प्रातः 10 से 2 बजे तक एवं नानी बाई रो मायरो का समय शाम 8 से 10 बजे तक का रहेगा। नाले से निकला मलबा हादसे को देता न्योता। उजीर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जालौर नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों परिषद की उदासीनता के चलते पंचायत समिति के पास मुख्य मार्ग पर चल रहे नाले से निकाला गया गंदगी का ढेर इन दिनों वाहन चालकों व राहगीरों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। मलबे को नाले से बाहर तो निकाला गया, लेकिन उसे वहां से हटाने के लिए हादसे के इंतजार में नगर परिषद ने कोई कदम नहीं उठाए। जब कोई छोटा बड़ा हादसा होगा तब सबकी नजरें उस मलबे की तरफ जाएगी, लेकिन तब तक ये मलबा यातायात में बाधक बना हुआ है। यातायात पुलिस ने काटे ओवरलोड वाहनों के चालान। जालौर से उजीर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय पर शनिवार को सुबह सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निजी पैसेंजर बस के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते वक्त कार्यवाही करते हुए चालान काटा। इस दौरान बस चालक ने पुलिस कर्मियों से चालान नहीं काटने हेतु अर्जी की, लेकिन यातायात पुलिस ने नियमानुसार कार्यवाही कर चालान काटा। एक तरफ बूंद बूंद को मोहताज, दूसरी तरफ व्यर्थ बहता पानी। रमजान खान मेहर की रिपोर्ट के अनुसार सेवड़ी गांव के मेहरों की आबादी क्षेत्र के बीचों बीच बनी 3GLR व पशु कुंड पिछले कई सालों से सूखे पड़े हैं। वह आम जन को मजबूरी में महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवाकर प्यास बुझानी पड़ती है। नदी का क्षेत्र होने के कारण टैंकर वाले भी नदी के अंदर नहीं आते, और आते भी है तो 900 से 1100 तक की मांग रखते हैं। लेकिन ऐसी गर्मी में हलक की तर मिटाने के लिए इन दामों को मजबूरन चुकाना पड़ता है। गांव में जहां एक तरफ GLR सूखा पड़ा है और लोग व जंतु बूंद बूंद को मोहताज है, वहीं दूसरी तरफ गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही से पिछले 15 दिनों से व्यर्थ पानी बह रहा है। जलदाय विभाग अगर सतर्क हो तो पूरे सेवड़ी में पानी की सप्लाई हो सकती है। ग्रामीण गाजी खान व हासम खान ने बताया कि इस मेहरों की ढाणी पर दिन भर हजारों की तादाद में पशु पानी की तलाश में आते हैं, लेकिन जलदाय विभाग की हर धर्मिता की वजह से इस टंकी में पानी चालू नहीं करते हैं, जिसमें यह टंकी वह पशु खेली 2-6 साल से खाली पड़ी रहती है।
उन्होंने कहा कि इस टंकी में पहले पानी की सप्लाई होती थी, तब पूरे गांव व आसपास की ढाड़ियों में पानी की किल्लत दूर हो जाती थी। कवरड़ा में लगी आग ने जलाए पीड़ित के सपने। जसराज कुच्छल की रिपोर्ट के अनुसार अहोर उपखंड के कवराड़ा गांव में अचानक लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सरपंच चंपालाल सैन ने बताया कि आग लगने के बाद प्रशासन के देरी से पहुंचने पर तखतगढ़ से फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का चारा व लकड़ियां व एक बैल सहित बैलगाड़ी जलकर राख हो गई। मौके पर अभय सिंह पुलिस थाना आहोर सहित जाप्ता मौके पर पहुंचा। आग के दौरान भारी नुकसान के कारण पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल था। उम्मेदाबाद में गोचर भूमि पर कब्जा, नहीं लिया जा रहा एक्शन। उम्मेदाबाद से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार केशवाना मुख्य सड़क पर गोचर भूमि में खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है, जबकि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसकी कोई सुध नहीं ले रहे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत स्पष्ट रूप से बताई जा रही है। यहाँ चलती है सिर्फ ग्राम पंचायत व अतिक्रमियों की मिली भक्ति और इनकी मनमानी व तानाशाही। केशवाना मुख्य सड़क पर गोचर भूमि में अवैध रूप से कब्जा हो रहा है, जबकि गोचर भूमि में ग्राम पंचायत एनओसी दे ही नहीं सकती। ग्रामीण करना राम प्रजापत, सुरता राम परिहार एवं रमेश कुमार ने बताया कि यहाँ अवैध रूप से कब्जा है और यहाँ पर अवैध रूप से मकान निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जबकि वहीं पर एक शराब का ठेका स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की मनमानी से सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहित आला जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत साफ तौर से बताई जा रही है। आखिर सवाल यहाँ उठता है कि गोचर भूमि में ग्राम पंचायत की ओर से एनओसी कैसे दी गई? अब सवाल यहाँ उठता है कि और तो और गोचर भूमि में अवैध मकान निर्माण कैसे किया जा रहा है और अवैध गोचर भूमि में शराब के ठेके को कैसे विस्थापित किया जा रहा है, जिस पर संवाददाता कांतिलाल मेघवाल ने उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उनका असंतुष्टिप्रद जवाब मिला, जिस पर जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक आला अधिकारियों की मिलीभगत का अंदेशा लग रहा है। आपका पूरा मामला क्या है, पूरा बताइए मामला जो भी है। हाँ जी, ये जो मकान निर्माण अवैध रूप से हो रहा है गोचर भूमि में, सुनने में आया कि ठेका जो शराब का है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये वाला मामला है सर। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। Audio
है। निजी विद्यालय में डोनेशन के नाम खुलेआम धांधली। साचौर से ओम प्रकाश पवार की रिपोर्ट के अनुसार मेहनत करना या न करना, नियमित आना या न आना, लेकिन डोनेशन तो देना ही होगा। यह बात साचौर स्थित भगवान महावीर बीएड कॉलेज के छात्र के साथ हुआ। श्री भगवान महावीर बीएड साचौर का छात्र हूँ। मैंने 15-16-17 में 2 वर्ष लगातार नियमित रूप से आकर के अध्ययन किया। स्कूल के कॉलेज की संपूर्ण गतिविधियां पूरी की, फिर भी मुझे प्रथम साल से 25,000 रुपये का डोनेशन लिया और दूसरी साल में मैं डोनेशन नहीं दे पाया तो मुझे आंतरिक मूल्यांकन में फेल कर दिया गया। पुखराज ने सत्र 2015-16 में श्री भगवान महावीर बीएड कॉलेज में प्रवेश लिया था, जिसका 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होने तक नियमित रहकर प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद से ही छात्र अध्यापकों से डोनेशन के नाम पर अवैध रूप से वसूली करना शुरू कर दिया। यही नहीं, आंतरिक रूप से फेल करने था मानसिक रूप से उकसाने पर मजबूर करने लगे। वही उक्त मामलों को लेकर यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य को विभिन्न मसले को लेकर रिपोर्ट भेजने के लिए जवाब मांगा, लेकिन आदेशों की अवहेलना करते हुए नजरअंदाज कर दिया। जिस पर पीड़ित छात्र पुखराज का कहना है कि मुझे डोनेशन नहीं देने पर फेल करने सहित विभिन्न मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। आहोर क्षेत्र के रोडला ग्राम में नहीं एक भी बैंक। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार रोडला ग्राम पंचायत पर बैंक सुविधा का अभाव होने से ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। जहां एक ओर सरकार की ओर से बैंक खाते खोलकर ऑनलाइन व कैशलेस लेन देन प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया जा रहा है, वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं को भी सरकारी बैंकों से जोड़ दिया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैंक का अभाव ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है। कुछ ऐसा ही हाल रोडला ग्राम पंचायत मुख्यालय का है। यहां ग्रामीणों के लिए बैंक सुविधा का अभाव बना हुआ है, जिसमें ग्रामीणों को बैंकिंग कार्य संपादित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत की सरपंच लक्ष्मी कंवर व वार्ड पंच छह सिंह भाटी, गलबा राम प्रजापत, भेरा राम जी मीरा समेत ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय होते हुए भी यहां कोई बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को बैंक संबंधित कार्यों हेतु समीपवर्ती गांवों में जाना पड़ता है। रायथल विद्यालय में कक्षा कक्षों का हुआ भूमि पूजन। रायथल से प्रेम सिंह सेपाओ की जानकारी के अनुसार आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायथल में 27 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा आवंटित 3 कक्षा कक्षों की भूमि पूजन व शिलान्यास आहोर विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय विकास समिति एवं प्रबंधन समिति के सदस्य एवं गाँव के गणमान्य नागरिक बाबू सिंह राजपुरोहित, जसराज सिंह, भवर सिंह, फौजराज सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के व्याख्याता रघुवीर प्रसाद दवे, श्री राम नारायण, बजरंग लाल, भीवा राम, राजेंद्र कुमार मौजूद रहे। रामसीन में हुआ देवासी समाज धर्मशाला का उद्घाटन। रामसीन से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में थूर पगना देवासी समाज धर्मशाला का लोकार्पण शुक्रवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में साधु संतों के सानिध्य में सुबह अभिजीत मुहूर्त में अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर धर्मशाला का लोकार्पण किया। समारोह में तीर्थगिरी महाराज, नूर महंत, रामपुरी महाराज, दातराई महंत, रविगिरी महाराज, गोपाल भारती महाराज के सानिध्य रहा। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक पूरा राम चौधरी ने कहा कि धर्मशाला बनने में समाज के लोगों को सहूलियत होगी। वहीं पशुपालन बोर्ड के उपाध्यक्ष भूपेंद्र देवाशी ने कहा कि धर्मशाला में कस्बे व आसपास से आने वाले यात्री व श्रद्धालु ठहर सकेंगे। समारोह को सेवानिवृत्त आईएएस गंगा सिंह परमार ने भी संबोधित किया। इस मौके पर भोलाराम देवासी, कमलवीर सिंह ठूर, नवीन देवाशी, पीराराम, कर्णाराम, सिरधरा सहित काफी संख्या में देवाली समाज के लोग मौजूद थे। भागली में राजयोगी का हुआ अभिनंदन। दलपत सिंह भायल की जानकारी के अनुसार मंगलोर के कदली मठ के राजयोगी निर्मल लाल महाराज के भागली आगमन पर श्री शांतिनाथ जी गो सेवा संगठन भारत की ओर से राजयोगी का भव्य स्वागत किया गया।
उस मौके पर श्री शांतिनाथ जी गौर सेवा संगठन भारत के विक्रम सिंह राठौर, पापू सिंह राठौर, दौलत सिंह राठौर, भवर सिंह राठौर, नरपत सिंह राठौर और काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। निर्मल नाथ ने कहा कि सभी को गौर सेवा के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। आपेश्वर महादेव मंदिर की वर्षगांठ पर हुआ ध्वजारोहण। मोदरान से जगमल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिले के आडवाड़ा के श्री आपेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर मंदिर में अमर ध्वजा चढ़ाई गई व भजन संध्या सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साधु गायत्री आश्रम के विष्णु स्वरूप जी महाराज, नारायण गिरी बागरा थाना प्रभारी प्रेमाराम बिश्नोई, जालौर थाना प्रभारी शंकर सिंह राजपुरोहित, सियाड़ा चौकी प्रभारी मनोहर मीणा ठाकुर, भवर सिंह, कार्यकारिणी सदस्य भगवतमल माली सहित सैकड़ों ग्राम वासियों की मौजूदगी में भजन संध्या व मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाने के साथ ही मंदिर के शिखर पर अमर ध्वजा चढ़ाई गई। भजन संध्या पर सरिता खारवाल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भक्ति रस में डुबो दिया। शियाड़ा में खेतला जी महाराज का वार्षिक मेला भरा। ध्यानचंद दादलिया शियाड़ा के साथ कांतिलाल मेघवाल उम्मेदाबाद की रिपोर्ट के अनुसार शियाड़ा गांव में खेतला जी मंदिर परिषद में खेतला जी क्षेत्रपाल महाराज का वार्षिक मेला भरा। इस मेले में भारी संख्या में जालौर, सिरोही व पाली जिले के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालु रमेश परमार ने बताया कि इस मंदिर में सभी श्रद्धालु आकर खेतला जी महाराज के सामने मत्था टेक कर चूरमे का भोग लगाकर व प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। इस मेले में ज्यादा भीड़ होने के कारण भक्तगणों ने अपने वाहन नदी परिसर में खड़े किए। रतिया वीर भैरू जी के नाम भक्ति संध्या आयोजित। बागोड़ा से निर्मल दान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कालेटी गांव में रक्तिया वीर भैरू जी के नाम विशाल भजन संध्या की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के जोधपुर से मधुर वाणी के धनी रावल नवरत्न सिंह एंड पार्टी के द्वारा देर रात तक भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें गणपति वंदना के साथ भजनों की सुमधुर वाणी भैरू जी लटियारा ठुमक ठुमक कर चालो भैरू जी समेत एक से बढ़कर एक भजनों पर भक्तगण झूमने पर मजबूर हो गए। भजन संध्या में उमेश सिंह नदिया, हरिदान, मुरार दान, कृष्ण चौधरी, शंकर दान, भगवाना राम, किशन दान समेत काफी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। राव समाज के 22 जोड़े बंधे पर्णय सूत्र में। नरपत सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार चंडीसा राव समाज का समूह लगन पालनपुर में 27 अप्रैल 2018 को अध्यक्ष किशोर भाई धानेरा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किशोर भाई ने बताया कि यह समूह लगन हर वर्ष राव समाज छात्रावास पालनपुर में संपन्न होता है और इस वर्ष आज 22 जोड़े पर्णय सूत्र में बंधे। समाज के गणमान्य लोग राजस्थान और गुजरात से हजारों की संख्या में समाज बंधुओं ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि समाज में समूह लगन से फिजूल खर्च से बचत होती है और एकता और भाईचारा बढ़ता है। इस मौके पर रिपोर्ट नरपत सिंह राव, किशोर भाई धानेरा, सैतान सिंह भाटवास, विशन जी शाकरणा, गोपाल जी, दलपत भाई पालनपुर सहित समाज के लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद देकर विदाई दी। और अंत में मौसम विज्ञान के अनुसार जालौर शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय के समाचारों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।